मध्य प्रदेश के धार भोजशाला का पुराना विवाद एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन की ओर से लगाई गई उस याचिका को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह मांग की गई थी कि परिसर में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाए और हिंदुओं को वहाँ नियमित रूप से पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से भोजशाला से लंदन ले जाई गई वांग देवी की मूर्ति को भी वापस लाने की मांग की गई है। बुधवार को मामले की पहली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग और मौलाना कमालुद्दीन ट्रस्ट समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सदियों से चले आ रहे भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के अलग अलग मत हैं। हिंदुओं का दावा है कि इस जगह सरस्वती का मंदिर था, जिसे सरस्वती सदन के नाम से जाना जाता था। सन 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी ने सरस्वती सदन में मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह बना दी थी। 1857 में सरस्वती सदन की खुदाई में वाग देवी की मूर्ति मिली। फिर 1880 में भोपावर पॉलिटिक्स एजेंट मेजर किनकेट मूर्ति को लेकर लंदन चले गए। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। 1935 में दीवान ने भोजशाला को मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद बताते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी और फिर आज़ादी के बाद यह विवादित परिसर पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। अभी प्रशासन ने हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को पूजा करने के साथ ही मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाज़त दे रखी है। हर साल बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इसी दौरान शुक्रवार की नमाज और बसंत पंचमी अगर एक दिन पड़ जाती है तो विवाद की स्थिति बन जाती है।